एक्टर दिनु मोरिया के साथ तीन और लोगों की करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। जी हाँ, क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ईडी की पकड़ तेज होती जा रही है। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि आज ही के दिन सुबह सुबह ये खबर आई थी कि किस तरीके से एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी ने समन भेजा है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब ये खबर आई है कि किस तरीके से दिनो मोरिया की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। आपको बताना चाहूंगी कि ईडी ने एक्टर दिनो मोरिया की संपत्ति को जब्त कर लिया है और ईडी ने ये कार्रवाई एक बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। दिनो मोरिया के अलावा कांग्रेस के लेट नेता अहमद पटेल के दामाद इरफान अहमद सिद्दीकी और एक्टर संजय खान और डीजे अखिल की भी संपत्ति को जब्त कर लिया है। आपको बताना चाहूंगी आगे की डिटेल्स। ईडी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने 8 प्रॉपर्टी, 3 गाड़ियां और दूसरे बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स को जब्त किया है और इन सभी को मिलाकर 8.79 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इनमें से दिनो मोरिया की संपत्ति 1.40 करोड़ की है और इस मामले को लेकर ईडी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने संदेह सारा समूह बैंक धोखाधड़ी मामले में दिनो मोरिया, संजय खान और डीजे अखिल की संपत्तियों को जब्त किया है। जी हाँ, ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बताना चाहूंगी दिनो मोरिया की 1.40 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है और उसमें से जो अहमद खान है उनकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, इस तरीके से इन चारों की प्रॉपर्टी को मिलाकर 8.79 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। अब देखते हैं किस तरीके से ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और क्या कुछ बातें सामने आती हैं, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप इस खबर से कितने शौक हैं हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की खबरों के लिए।